अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही प्रीशियस ब्लॉग है, बल्कि मेरी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही स्पेशल एंड प्रीशियस ब्लॉग है। तो खैर, ये है 1 अगस्त और यहाँ पर मेरी तबीयत डाउन थी, मीन्स मुझे लेबर स्टार्ट हो चुका था। तो मुझे चेकअप के लिए जब जाना पड़ा तो उस टाइम लाइक मेरी जो लेबर की इंटेंसिटी इतने ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे यही कहा गया कि आप घर वापस जाओ। और हमने भी यही डिसाइड किया कि हम घर जाकर मैं जो छोटे मोटे काम है वो सब निपटा दूँगी और इसके बाद मैं आ जाऊँगी। तो खैर, मैं घर वापस आ गई थी और यहाँ पर मतलब मैं ख़ुद भी लाइक रेडी हो गई थी, और इसके बाद मैंने बच्चियों को भी लाइक वॉशअप कर दी, बाथ अप उनको दे दिया था, उनके कपड़े मैंने सब कुछ सेट कर दिए थे, क्योंकि फिर जहरी सी बात है मैं नई थी और उनकी पप्पो को उनका केयर करना था, तो इसी वजह से मैंने सब कुछ उनके लिए आसानी के लिए सेट कर दिया था। देन फिर हम चले गए थे 3 बजे के टाइम, और मेरी इंटेंसिटी फिर भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। हमने 2 आवर्स हॉस्पिटल में स्पेंड किए, लेकिन उसके बाद फिर यही मेरी डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि लाइक पेन की इंटेंसिटी जब इंक्रीज़ हो जाए तब आप आ जाए, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे घर के करीब ही था। तो बस इसी वजह से मैं घर आ गई थी वापस, और फिर जब इंटेंसिटी लेबर पेन की इंक्रीज़ हो गई थी तकरीबन 12 o'clock के करीब, तो फिर से हम चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेबी नॉर्मल डिलीवर हो गया था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ नॉर्मल, बेबी भी नॉर्मल, मैं ख़ुद पर्सनली भी नॉर्मल। और इसके बाद जब मैं घर आ गई थी तो फिर ये जो है थी उसी नाइट की क्लिप है, यहाँ पर इस बेबी के जो दादा दादी हैं तो वो अजान दे रहे थे, और ये ऐसे मोमेंट है कि मतलब हार्ट टचिंग और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था सबके लिए। तो खैर, यहाँ पर इसके दादा वो इसको अजान दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दादा दादी का होना भी बहुत ही बड़ी नेमत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको अजान दे दी गई थी। इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी थी, 5 o'clock के करीब ये टाइम था। तो बस इसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में अम्मी ने देसी घी में हलवा बनाया था, और यही हमारा ये होता है कि जो मतलब बेबी बर्थ के बाद यही कुछ दिनों के लिए इस तरह हलवा और इस तरह सॉफ्ट मतलब नॉर्मल डाइट लेते हैं, सॉफ्ट डाइट। तो खैर, यहाँ पर बस मैंने नाश्ता कर लिया था और उसके साथ फिर मैं अपने बेबी के साथ आराम से मैं सो गई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं किया था, सिर्फ 10 to 20 minutes मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद सबका आना जाना लग गया था। तो बस आयजा और आयरा दोनों सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था। आयजा तो लेट तक जागी थी लेकिन फिर सो गई थी। और इसके बाद खैर, फिर यहाँ पर जब मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी तो ये फिर नेक्स्ट डे का क्लिप है, मींस 2 अगस्त का, कि वहाँ यहाँ पर इसकी पप्पा आई थी तो उसको जो फर्स्ट बात होते वो दे रहे थे। हॉस्पिटल में तो वॉश करवा दिया था, लाइक जस्ट टॉवल के साथ वॉशअप कर दिया था, लेकिन फिर अम्मी यही कह रही थी कि नहीं, मैं से सही ख़ुद से वॉश करूँगी, बात दूँगी। तो बस यहाँ पर इसको बेबी को हमने बात दे दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्पेशल डे था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो फिर ये कुछ लेट टाइम के क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो यहाँ पर आए जा रहे इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, माशाल्लाह से दोनों बहुत ही खुश थी। तो खैर, बस ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।